जबलपुर स्वच्छता सर्वेक्षण बार बार जिले में कई जगह गंदगी की बात सामने आ रही है और जिसे देखते हुए जिले में लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। लेडी एल्गिन हॉस्पिटल के सामने और जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष, इसके साथ ही अंशुमन इस्लामिया स्कूल के समक्ष भी बहुत सारे ठेले और टप्पर लगे हुए हैं। इन ठेले और टप्परों के पास लोग एकत्रित होते हैं और साथ ही आसपास गंदगी भी फैलाई जाती है, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष, लेडी एल्गिन हॉस्पिटल के समक्ष और अंशुमन इस्लामिया स्कूल के समक्ष समस्त ठेलों और टप्परों को हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर इन सभी स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान नगर निगम का अमला और पुलिस बल भी मौजूद रहा। आज कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई है और कितनी कार्रवाई हुई है? यह आयुक्त महोदय के आदेशानुसार आज कलेक्ट्रेट के चारों तरफ और मेन इंदिरा अपना एल्गिन के सामने जो ठेले टपरे थे सभी को हटाया गया है। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कितनी कार्रवाई हुई है टोटल अभी तक? अभी 4-5 ठेले टपरे और जब्त किए हैं, कल भी किए थे। अंजुमन में भी कार्रवाई किया है। अंजुमन की बाउंड्री वॉल के पास भी बहुत सारे अतिक्रमण हो गए थे, वो भी सभी वहाँ से भी कुछ ठेले टपरे जब्त हुए हैं। आप अपना नाम बताएं। बीके तिवारी। स्वच्छता सर्वेक्षण में बार बार बताया जा रहा था एल्गिन के सामने इन लोगों के ठेले टपरे वालों के अतिक्रमण थे, गंदगी करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, इनको आज हटाया गया यहाँ से। और भी कार्रवाई कहाँ कहाँ कर ली है? आज अभी अंजुमन मार्केट में कार्रवाई करी है और उसके बाद फिर यहाँ पर कर रहे हैं, अभी कलेक्ट्रेट में भी करेंगे। ब्रज किशोर तिवारी, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।